फ्रेंड्स, आज मैंने ये बनाई है मट्ठी मिठाई। ये देखिए, मैंने कुकी कटर से इनको काटा है, कितनी अच्छी शेप आई है ये देखिए। और ये खाने में बिल्कुल मिठाई का टेस्ट देते हैं, बहुत रिच हैं। हमने इन्हें देसी घी से बनाया है, इसमें मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क मेड से इसको हमने आटा मला है, ज़रूरत पड़ी तो दूध डाला है मलने के लिए। तो ये आपको पूरा मिठाई का टेस्ट देगा। तो चलिए, इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए हम बनाते हैं ये मीठी मट्ठी। देखिए, मैंने मैदे में मिल्क मेड डाला, मिल्क पाउडर डाला, थोड़े से तिल डाले 2 चम्मच और देसी घी आटा मलने के लिए, ये देखिए, और इलायची पाउडर डाला। अभी हमारा मोइन, मुझे ये कम लग रहा है तो इसमें हम मोइन डालूँगी। ये देखिए, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, और चाहें तो आप इसमें तेल का भी दे सकते हैं। लेकिन मीठी चीज़ बनाएं, बेशक उसे आप तलें रिफाइंड ऑयल में, लेकिन जो आप उसमें मोइन डालें वो घी का ही डालें। घी से मीठी चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरा घर का ही बना घी है, मैं घी बाज़ार से नहीं लेती हूँ। हमारे घर दूध अच्छा आता है, उसी की मलाई से हम घी बना लेते हैं। तिल आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, गर्मी है मैंने इस वजह से थोड़े कम डाले हैं, और सर्दियों हो तो भरपूर तिल डाल सकते हैं इसमें। ये तिल मैंने भून के रखे हुए हैं सफ़ेद, वो डाले हैं। ये देखिए, मिल्क पाउडर भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। मैंने 2 कप में 1 कप मिल्क पाउडर डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे ये दही। इसको हमें पानी से नहीं मलना है, क्योंकि हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे, तो उसी से आप कोशिश करें कि आपका मैदा उसी से बन जाए। और नहीं बनता है, थोड़ी कमी रहती है, पानी की ज़रूरत है, तो आप उसमें दूध डाल के मलें। अब ये देखिए, मैं इसमें ये डालूँगी मिल्क मेड, और उसी से अपने आटे को बनाऊँगी। ये मिल्क मेड भी मेरा अपना घर का ही बना हुआ है। मिल्क मेड में इतनी चीनी होती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें और चीनी डालने की। कुछ आप मिल्क मेड भी एक साथ ना डालें, एक साथ डाल लेंगे तो फिर मैदा हो सकता है पतला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि आपको मैदा मलने में आसानी रहे। ये आप आटे की नहीं, मैदे से ही बनाएं, मैदे से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा आटा। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी को पीस के मैदे में छान के भी मिला सकते हैं, और उससे अपना मैदा बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा डो इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे तक रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मट्ठी बना के। ये देखिए, अब हमारा ये मैदा तैयार हो गया है। इसे हमें अच्छे से मलना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, बड़ी सी रोटी बेल लेनी है इसकी हमें। ये क्रैक्स आ रहे हैं तो आटा हमें और थोड़ा मलना पड़ेगा अभी, ये क्रैक्स नहीं आने चाहिए इसमें। जितना अच्छा आटा मलेगा उतनी अच्छी मठरी बनेगी हमारी। मैं इसको बेलूँगी। इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, और मोटाई हमें इसकी सिर्फ उतनी रखनी है जैसे हम भरवा परांठे की रखते हैं, थोड़ा सा मोटा। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो तलने में दिक्कत होगी, और पतला रखेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगी। तो इसलिए ये मैंने इस पर तिल लगाए, तीखा नहीं। ये चकले पे इतनी बड़ी बिल नहीं पाती, इसलिए मैं ये अपने किचन चॉप पे
स्लैब पे घी बेल रही हूँ। ये देखिए और इसको हम कोई कुकी कटर या ढक्कन जो भी चीज़ हो आपके पास आप उससे इसके पीसेस निकाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये कुकी कटर है तो मैं उससे निकाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही हम इसके सारे पीसेस देखिए ऐसे निकाल लेंगे और इनको हमें प्रिक भी करना है जिससे ये फूले ना, इन्हें हम अच्छे से प्रिक भी कर देंगे। ये देखिए ऐसे, जिससे कि हमारी मिट्टी फूले ना। और अब मैं ये सारी ऐसे ही बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बस हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और मैं इसमें अब ये अपनी डाल देती हूँ सारी। इन्हें प्रिक करना मत भूलिएगा वरना ये फूल जाएंगी और फिर वो पूरी जैसी लगेंगी खाने में। और इन्हें हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तलना है, थोड़ी डार्क होंगी क्योंकि हमने इसमें मीठा डाला है। अब मेरी ये तल जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम इस स्टेज पे निकालेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी, तो हमें ये थोड़ी हल्की आंच पे इसीलिए तली जाएंगी कि ये सॉफ्ट ना रहें। ये थोड़ी ब्राउन तो होंगी क्योंकि हमने इसमें मीठा डाला है, तो इसलिए थोड़ी ब्राउन ही तलनी पड़ेंगी, वाइट तो बनेंगी नहीं। जैसे मैदे की मट्ठी वाइट बनती हैं वैसी नहीं बनेंगी। ये मट्ठी कम मिठाई का ज़्यादा टेस्ट देंगी। और हमें इसमें कोई चीनी नहीं डाली और कोई हम इन्हें शुगर सिरप में पकाएंगे भी नहीं, बस हमने आटा मलने में ही जो डाला है बस वही डाला है। अब मैं ये निकाल लेती हूँ, मैं सारी तल के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये अब मेरी बनके तैयार हो गई हैं, ये मैंने दो शेप में बनाई हैं। ये देखिए ये मैंने पत्ते बनाए हैं और ये मैंने स्टार्स बनाए हैं। ये देखिए ये मैंने अलग अलग कुकी कटर से काटी हैं, आप चाहें तो गोल ढक्कन से काट सकते हैं, कुकी कटर नहीं है तो किसी भी शेप में आप शक्करपारों की शेप में काट सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लास्ट में जो बचा था कटिंग से उसका मैंने ऐसे गोल बना दिया, तो आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं और ये आपको मिठाई का पूरा टेस्ट देगा। और मीठा भी इसमें उतना ही है जितनी कि हमें ज़रूरत होती है। इसमें हमने मिल्क मेड डाला और मिल्क पाउडर डाला, उससे इस बिल्कुल ये मिठाई जैसे लगता है खाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने बना के ट्राई किए तो आपको कैसे लगे। थैंक यू।